हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, आज हम बात करेंगे यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के अपडेट के बारे में। ये अपडेट अब ये बुरा है या अच्छा है, ये तो आप इस वीडियो में जानने के बाद ही आप कमेंट करके हमें ये बताएं, ठीक है। तो अपडेट ये आया है कि अगर आप चैनल बनाते हैं, चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आपको उसका क्राइटेरिया पूरा करना होगा, 4000 घंटे का वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर या फिर शॉर्ट्स पे आप 10 मिलियन व्यूज़, और उसके बाद आपका क्राइटेरिया पूरा हो भी जाता है तो आपको फिर चैनल मोनेटाइजेशन के लिए आपको भेजना होता है। उसके बाद वो रिव्यू में चला जाता है, उसके बाद आपको फिर वहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है, एड्रेस वेरिफिकेशन करना होता है। तो अब एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए पहले क्या होता था कि आधार कार्ड, नेशनल वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। उसके 3 साल पहले ही आधार कार्ड को हटा दिया गया, फिर बचे 4 ऑप्शंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और नेशनल वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। लेकिन अब YouTube का एक और अपडेट आया है जिसमें उसने पैन कार्ड वाले ऑप्शन को भी खत्म कर दिया है। अब बचे हैं सिर्फ 3 ऑप्शन, जिसमें से आपका DL होगा, नेशनल वोटर आईडी कार्ड होगा और होगा पासपोर्ट। अब जाहिर सी बात है कि यार, पहले क्या होता था कि आधार कार्ड तो सबके पास होता था, पैन कार्ड भी चलो जैसे तैसे बनवा लेते थे, अब DL भी मोस्टली काफ़ी लोगों के पास नहीं होगा, पासपोर्ट तो भूल ही जाओ, ठीक है। पासपोर्ट तो वही लोग बनवाते हैं जिन्हें फ़ौरन घूमने जाना होता है, मतलब जो फ़ौरन आते जाते रहते हैं, पासपोर्ट उनके लिए। और नेशनल वोटर आईडी कार्ड वो भी 18 साल के बाद बनता है, तब वो वोट देने योग्य हो जाता है। अब ये अपडेट आया है यूट्यूब का, ये अपडेट पता नहीं यूट्यूब कर क्या रहा है, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स घबरा रहे हैं और वो अपना जो है चैनल मोनेटाइज करने के लिए जो है एड्रेस वेरिफिकेशन वो पैन कार्ड डाल रहे हैं और उनका मोनेटाइजेशन नहीं हो पा रहा है, वो बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है। तो गाइज, बस एक अपडेट था यूट्यूब का चैनल मोनेटाइजेशन से रिलेटेड। अब आपकी क्या राय है इससे रिलेटेड, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।